ते सब के डब चली जाती थी, बच्चे बिना तो बोराती नहीं थी। आज कहाँ रही है? उधर भी सर पटे लग रहा कि कहाँ रही है। बोला नहीं नहीं हम फोन किए वो लड़कावा से, वो लड़कावा बोला क्या कि आप घर आए हैं। चलेगा यानी मकई का जो खेत है इसी खेत में आपके बेटी का सब। आप मत रोइए, आप जो है आंसू मत निकालिए। कि देखो ये फोटो तुम पहचानो थे किसका? जब मैं भाग के गए जब वो फोटो को देखे थे तब कहते हमारी लड़की है। उसी घंटा पूरे गांव में मैं हल्ला कर दिया। फेसबुक पे फोटो आया मकई खेत का, मकई खेत का। आप उसके बाद भी आपका दामाद आपको फोन नहीं किया? नहीं किया। कोई लगे कि कोई हमको बेटी से बात करवाओ, कोई बात करने के लिए नहीं मिला। कोई नहीं करा, नहीं मोबाइल में कोई नहीं करा कि बेटी से कोई आपको बात नहीं करवाया। कोई नहीं करा कि उसका नंबर है हमारे पास। आपके पास मोबाइल नहीं था? नहीं था मोबाइल। हम ये बोले कि ये वीडियो देखो किसका है। ये वीडियो देखा ना तो ये बोलती है कि लगता है कि मेरी बेटी। उनको कहने तक पैसे नहीं था, मोबाइल कहाँ से रखते हैं समझा ना। तो उसके बाद एक मेरा कोई आदमी को बोले तो वो बोला तुम्हारा लड़का का फोन है। अभी आप लोग हमको एक मकई खेत के सामने देख रहे होंगे। मकई खेत के सामने हम लोग इसलिए खड़े हैं कि दो तीन दिन पहले एक लड़की जिसका नाम फूलो है और वो जो है मुस्लिम परिवार से आती है और उसका शादी लगभग 3 साल पहले लव मैरिज हुआ था, यानी कि प्रेम विवाह दोनों का हुआ था। लड़का बाहर में कमा रहा था और लड़की अपने पिता के यानी कि गरीब पिता के घर पर रह रही थी। पता नहीं कौन सा नज़र किसका लग गया इस गरीब घर पर कि उस पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी। यानी कि पत्नी को जो है लेने के लिए वह उसके मायके पहुंचता है। मायके पहुंचने के बाद वह उनको बहला फुसला करके किसी भी तरह से लेके जाता है कि चलो रमजान का महीना चल रहा है, हम तुमको कुछ कपड़ा खरीद देंगे, कुछ सामान खरीद देंगे और बच्चे का तबीयत खराब था तो उसके लिए दवाई खरीद देंगे। लेकिन वह ले जा करके अपने और 4-5 दोस्तों यारों के साथ में मिल करके मकई के खेत में अपने ही पत्नी को ले जाता है और उसके साथ चारों मिल करके यानी 4-5 लड़के मिल करके दरिंदगी करते हैं। दरिंदगी करने के बाद उस लड़की को उसी मकई के खेत में मार दिया जाता है। देखिए बेबस पिता है। और आप कौन हैं? हम गांव के हैं, गांव के चचा लगेंगे। और यहां देखिए बेबस पिता लगातार जो है रो रहे थे और हम लोग जो है यहां पर पहुंचे हैं इनके आंसुओं को पोंछने के लिए। चचा ये बताइए कि आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, आज खुल के बताइए सारा बात। कुंजी हुआ हमारी बेटी के साथ में, गद्दारी हुआ है। गद्दारी हुआ? आपके बेटी को कौन मारा है, आपका दामाद? दामाद मारा, यहाँ आया है, दामाद ले गया है। दामाद हम दूसरा का नाम कैसे कहेंगे, दामाद ले गया है। उसके जिस दिन दामाद आया था उस दिन जो है कितने बजे लेके गया उसको? यहाँ से कब से 12:30 बजे ले गया है। दिन में? हाँ 12:30 बजे। आप कहाँ पर थे? हम यही टोटी के पास बैठे हुए थे। यहीं पे आप बैठे हुए थे? हाँ। अच्छा, तो फिर आया उसके बाद वो लेके चला गया? हाँ आया तो बस बहुत देर तक अंगना में दोनों बोलचाल किया। दोनों बोलचाल किया? हाँ बोलचाल किया। बोलचाल जो दोनों कर रहा था तो उस टाइम में आपको कुछ लगा कि आपकी बेटी के साथ गलत कर रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं लगा। उस टाइम इतना प्रेम से वो आया कि आपको महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी बेटी के साथ आज ऐसा हो? हाँ हम तो सोचे कि सब दिन यहाँ रहता है ऐसे हाथ बोल करता है, ऐसे हाथ बोल कर रहा है। और हमारी लड़की भी ये कह रहा था कि आज नहीं जाना, रात रहना, चला जाना। तो बोला कि नहीं। यानी आपकी बेटी कह रही थी कि आज रहिए, आज रहिए। कितना दिन के बाद आपका जमाई आया था? ये हमारे पास 6 महीने वो बाहर में रहा है। 6 महीने? 6 महीने बाहर में? बाहर में था, बाहर से आया वो वहाँ बीरनगर में था। बीरनगर में? बीरनगर में, सरिया में, वहाँ से आया था। जब जाने लगा तो उसको हम मना किए कि अब इस टाइम तुम कहाँ जा रहे हो, रोजा खोलने का टाइम है, कौन बनाएगा खाना पीना? यानी रोजा चल रहा है, रमजान का महीना, रमजान का महीना चल रहा है। तो आपकी बेटी भी रोजा की हुई? हाँ वो रोजा पोती पूरी पूरी रोजा थी, भूखी प्यासी थी बेचारी। और जो उसका पति है, सोहर है, वो भी रोजा में था? नहीं वो रोजा नहीं था, खोजा में था। अच्छा वो नहीं था? नहीं वो गुटखा मधु भी खा रहा था, चीज भी देखे हाँ देखे थे। तो वो जो 6 महीना बाद आया तो उस बीच में उससे पहले वो लोग से लड़ाई झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात भी नहीं करता था फोन से। यानी कि बाहर में रहता था तो आप लोग अपने बेटी को अपने घर पर रखे? हाँ अपने घर पर रहते थे, हम रोज कमा तमा के लाते थे, लोग सबसे मांग तांग के लाकर उसको खिलाते थे। अच्छा, आप थे। मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी करते थे। आपके घर पे तो छप्पर पे टीन भी नहीं है? नहीं है, सब उस बेच भी करके उसी बच्चे के टीन भी बेच दिए? सब कुछ बेच दिए अपनी बेटी के लिए? हाँ। कितना बाल बच्चा है आपको? हमको बच्चा है 5-6 लड़की थी। अच्छा। एक लड़की खत्म हो गई, 5 बच्ची है, 6 लड़का है। समझा?
तो वो ले जा करके शाम में लेके गया, दिन में लेके गया 12 बजे। हाँ 12:30 बजे ले गया वो। हाँ, आप खोजबीन कब से शुरू किए? हम खोजबीन 9 बजे के बाद से शुरू किए, पहले शाम से तो बहुत दिल नहीं लग रहा था। फिर से बताइए आप खोजबीन कब शुरू किए थे? हम जो है ना वो जब जैसे कि रोजा खोलने का जब टाइम होने लगा ना, तो उसका खाना तना भी बनाया, हम तो सोचे कि चलो पति के पास गया है, बस कपड़े तपड़े लेके गया होगा, बाजार तजार तो आने में लेट लग गया होगा, लेट से आ जाएगा, बस हम क्या करें उसका सब कुछ बना के रख दिए। बस उसके बाद हमको दिल नहीं लगने लगा, हम ये टोला बोटला पता लगाने लगे कि कहाँ है नहीं है। शाम में, शाम के टाइम तब जो दिन छिप जाता है ना। आपके पास मोबाइल नहीं? मोबाइल नहीं हमारे पास, मोबाइल आपका बेटा उठा कोई अगल बगल का मोबाइल था ना? नहीं, किसी नहीं, को नहीं, नहीं हम लोग को बेटा को मोबाइल नहीं था, परसिया को मोबाइल था, वो बोला उससे हमारे पता लगाने चले। हाँ पता लगाए थे, बोला कि हमारे में रिचार्ज नहीं है, तो टोला पड़ोस में गए और सबको पूछने लगे, बोला कि वो लड़का का नंबर हमारे पास नहीं है। अच्छा, जब नंबर नहीं है तो तब एक आदमी बोला कि नहीं नहीं तुम्हारा लड़का दिन हमको कॉल किया था, हमारा कॉल में तुम्हारा नंबर होगा। अच्छा, तो उसको पूछे थे नंबर निकाला था, फोन लगाया था, हमारा लड़का फोन उठाया, हम उसको बोले कि देखो सब दिन मान जा आती थी, बच्चे भी लेते जाती थी, कहो जाती थी वो अपने गोदी में टाल के ले जाती थी। लेकिन आज बच्चा को लेके नहीं, बच्चा लेके नहीं गई है, कहाँ है नहीं है, बच्चे को बच्चे लेके कहाँ है नहीं है, नहीं गई है, कहाँ है नहीं है, उसका पता बताओगे? फोन लगा के उसको फोन लगाओ, चुप। तो वो मेरे को फोन लगा के कह रहा है कि अब्बा आप तो फोन लगाए थे लड़का को, लड़का बोला कि देखो अब तो लड़की को लेके आरानीगंज आए थे, वहां से बीरनगर आ गए हैं, बीरनगर में है लड़की, उसको कदना की बच्चा को देर रात के देखभाल करेगा। हाँ। सुबह हम 7-8 बजे करीब फिर गाड़ी चले। अच्छा, आपको पता कब चला कि आपकी बेटी नहीं रही यहाँ पे? इसको 9 बजे के, 9 बजे रात में पता चला। 9 बजे रात कौन बताया आप? 9 बजे रात में हमारा मामा लड़का है ना, जब मोबाइल में उसका फेसबुक पे सारे फोटो आ गया ना, मकई फेसबुक पे फोटो आया मकई खेत का, मकई खेत का। आप उसके बाद भी आपका दामाद आपको फोन नहीं किया? नहीं किया, कोई नहीं किया। हम कब आएंगे नहीं आएंगे नहीं, कुछ नहीं, 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 नहीं बताया आपको? जब फेसबुक पर फोन आया ना, फेसबुक पे फोटो आया तब आप जाने की मेरा बेटी अब नहीं रही। हाँ हमारी जब आया दौड़ के दिखाया आपको, बोला ये कौन है पहचाने, जब हम देखे ना तो जो कपड़ा ओढ़ के गई थी पहन के सूट सलवार, वो देखने के बाद हम बोले कि इसको हमारी लड़की है, हम रोने काटने लगे, गए भाग के दौड़ के घर, यहाँ से बोटला ये टोला बोटला दौड़े दौड़े भागने लगे। अब तो हम जब बच्चा हमारा है तो वो तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ। हमारा कोई सहारा कौन जल्दी बनेगा हाले? हाँ। तो मैं इसके पास में बड़ा भाऊ का नंबर था, बड़ा भाऊ को फोन लगाया था, बड़ा भाऊ बोला कि ठीक है, एक हमको लाहत जो है ना वो बिस्तरिया के पास वहाँ नहर की भित्ता में मक्की खेत में। आप बड़ा भाऊ को फोन किए थे? आप किए थे? आपका क्या नाम है? आशिक। आशिक, देखिए आशिक भाई हैं, इन्हीं को पता चला था और ये जो है बड़े बाबू को फोन किए, और वो क्या बोले आपको? ये बोला नहीं कि हमारी लड़की है। हाँ। तो हमको जो बड़ा बाबू यहाँ आया था, हम लोग को झंझट हुआ था। हाँ। गांव में। हाँ। तो आया था, हम उससे नंबर ले लिए थे। अच्छा, तो ये रात में रोने लगा था, उसको हम फोन किए बड़ा बाबू। हाँ। हाँ। तो फोन किए तो बड़ा बाबू कहता है आपको जो हम पूछे वहाँ की लाश मिला था, आप बोले हमारा न है, तो अभी हमको फोन किए कि हमारा लाश है। अच्छा, हम बोले सर वो लड़की तो हमारे गांव का है, भगनी है हम लोग का, गांव का ही है। आपको भगनी लगे? हाँ भगनी लगे। हम बोले हमारे गांव का है, बड़ा बाबू बोला हाँ अभी गाड़ी में हम उठा के लाए हैं, अब अपना आदमी भेजिए पहचानने के लिए, तब इसको। अच्छा। हम लोग भेजे 2-4-5 आदमी। अच्छा चाचा, ये बताइए कि आपका जो है बेटी प्रेम विवाह की थी? कौन वो? हाँ नहीं बोलो, फोन से दोनों में बातचीत हुआ था। उसके बाद दोनों का राजी खुशी से आप लोग शादी कर? हाँ राजी खुशी से, जब रहने लगा नहीं। हाँ 4-5 दिन उसका रहन तहन देखे ना, तब उसके बाद हम सोचे कि नहीं लड़का सही है। हाँ, तब हम जाके शादी करा दिए। 3 साल अच्छा से रहा, 3 साल अच्छा से रहा, कभी उसका हम एक अग्नि के अंदर लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं देखे, नौकरी कुछ नहीं। अपने ससुराल में भी लड़की रह के आई? ससुराल नहीं, लड़की नहीं रही है ससुराल, कभी नहीं गई लड़की ससुराल। यहाँ आके क्यों मार दिया दामाद? तो वो पता नहीं, नहीं कुछ यहाँ पर जो है ना वो जो बाहर 2 साल जो रहा, 2 साल के बाद बताए ना, 1-6 महीने वो बाहर में रहा, 6 महीने के बाद आया घर, कम से कम 1-1.5 महीना रहा घर में ना। उसको माँ बाप लाभ दिया होगा कि बेटे गरीब आदमी है, भिखारी है, क्या हुआ तुम रहते हो, चलो तुम्हारा कहो शादी अच्छा जगह करा देंगे, कुछ दहेज मिल जाएगा, इसका लोभ दिया होगा, लोभ दिया होगा, प्लान बना लिया, प्लान बना बेटी को खत्म। हाँ तब वो आया वहाँ से, इसको ले गया, लिया के वो खत्म कर दिया, चलो वो क्या कर सके गरीब आदमी, पैसे नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा, ना उसके पास पैसा रहेगा ना वो केस लेगा। यानी मकई का जो खेत है, इसी खेत में आपके बेटी का सब मिला? हाँ सब कुछ मिला, मकई खेत में मिला। जब किस पूरा एकदम गलत अवस्था में मिला? हाँ जी गलत अवस्था में मिला था, जो लड़का जो
ये फेसबुक पर जो डाला है ना, वो बोला कि कोई आदमी ऐसे करके घास काट के जा रहा था ना, तो वो देखा कि आर के घर में वो पड़ी थी। यानी घास काट के कोई आदमी जा रहा था शाम के वक्त, उस वक्त वो देखा, वो देखा। यानी तो शाम के टाइम नहीं देखा, खबर तो खैर 3 बजे से वहाँ लगा की दिने में लाश है, यानी 12 बजे वो ले गया है, 1-2 बजे के आसपास वो घटना कर दिया है दिने में। बिस्टरिया के आदमी से पता लगा, क्योंकि हमारा भी दोस्त महिमा है ना, कहाँ पर ले जाके किया है घटना, ये नहर के पास किया है बिस्टरिया में, वो अपने एरिया में ले जाके नहीं, तो ये है ना नहर बगल में, यानी यहाँ से ले जाके आधा एक घंटा के अंदर में वो काम तमाम कर दिया है। उसके बाद मकई के खेत में फेंक दिया है, और फिर कोई जा रहा था घास उस काट करके, तो वो देखा, तब पुलिस प्रशासन को खबर किया। हमको ये भी नहीं पता था कि इसकी लड़की घर में नहीं है, आपको पता नहीं था? पता नहीं था। शाम में जब वो वीडियो हम देखे ना, तो हम बोलते कि वीडियो कहाँ से है, बोला कि ये वीडियो जो है डुमरिया का है। अच्छा, किसी लड़की को मार, हमका है बेचारे को मार के फेंक दिया होगा किसी को। फिर हम क्या करे, अवतार उतार करने का टाइम था, हम डुमरिया से आए करे थे, तो अवतार उतार करे। उसके बाद जब फिर दिखे तो स्टार्टर पे फिर लगा हुआ था, हम इसको गौर से देखने लगे, ऊपर जूम करता है ना फोटो, फोटो जूम करके देखता, हम सोचते इरशाद भाई की बेटी तो ना। अच्छा। हम कहते कि रोजा में जाएगी कहाँ, कभी ससुराल तो गई नहीं है, यानी इरशाद जी की बेटी फूलो। फूलो ये कभी ससुराल जाती भी नहीं थी। इसलिए हम वहां से उठकर आए तो ये सो गया था। अच्छा। तक के आशा देखते देखते बेटी का अपना सोचा होगा कि चल गया कहीं, ससुराल गई होगी। तो हम इसको पूछते हैं आके कि इरशाद भाई उठो उठो, ये उठा तो बोला कि हम इसको सीधा पूछे कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। ये बोलती है मेरी बेटी तो आज भी नगर गई है, सहता गई थी लेकिन आया नहीं है, दामाद मेरे साथ में। अच्छा, ये बोला दामाद साथ में। हम ये बोले कि ये वीडियो देखो किसका है, ये वीडियो देखा ना, तो ये बोलती है कि लगता है मेरी बेटी। ये बोला उसके बाद क्या किए तब, ये बोला कि लगती है मेरी बेटी। ये शोर मचाने लगा बस्ती में, तो बड़ा होगा उसको झंझट हुआ ना बस्ती में, तो उसके पास नंबर था, फोन किया। हाँ, ये बस्ती में शोर मच गया, बस्ती में शोर मच गया, सब आया दो के बस्ती वाला कि क्या हो गया अचानक। सब बोलता था कि वीडियो हम सब देखते हैं, पहचानता कोई नहीं था, पहचानता उसको कोई नहीं था। कुछ आदमी डुमरिया पहना हुआ था लाल कपड़ा, लाल कपड़ा जो था ना, हाँ लाल कपड़ा जो था, ये पहन के जो गई थी ना, ये बोला कि लाल कपड़ा पहन के गई है मेरी लड़की, लाल कपड़ा में थी, लाल कपड़ा में थी। अच्छा, उसको जो मारा गया है तो क्या करके मारा गया, गला उसको मारा गया है जो उसको, मुझे लगता है कि एक आदमी नहीं मारा है उसको। अच्छा, जहाँ तक मुझे रहता है कि उसको ऐसे करके कपड़ा लेके बांधा है, पूरा मुंह बांधा है। हाँ, ऐसे किसी इंसान को बेरहमी से भी नहीं मारा जाता है जैसे उसको मारा। अच्छा, 4-5 आदमी मिलकर उसके साथ कपड़ा लगा के यहाँ से उसमें जैसे बदन देता है ना, घर में बदन देता है टाट में, ऐसे बदन खींचा है तब मारा, ठूसा हुआ था मुंह में, इतना पूरा कपड़ा ठूसा हुआ, पूरा कपड़ा मुंह में ठूसा हुआ था। अच्छा, नेगर लाग नहीं था सर जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया अभी। क्या दिन हुआ घटना को? ये घटना को परसों हुआ, परसों हुआ, परसों दिन, हाँ परसों हुआ है, रात में हम लोग पोस्टमार्टम हुआ, कल लाश आया मिट्टी। अच्छा, तो उसका मिट्टी कर दिया, कल हो गया। अच्छा, मिट्टी हो गया है, उसके बाद जो है जो लड़का है गिरफ्तार हुआ कि नहीं? हाँ, लड़का गिरफ्तार, प्रशासन की यहाँ पर कामयाबी, पहली कामयाबी है कि लड़का को गिरफ्तार कर लिया है क्या चाचा? हाँ, गिरफ्तार कर लिया। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, उस लड़का को क्या कार्रवाई करना चाहिए? हम ये कार्रवाई करने चाहते हैं कि प्रशासन से कि लड़का को जो है ना कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कुछ दिन के लिए, कि जैसे आगे चल के कोई अपने पति अपने पत्नी के साथ ना करे। हाँ। और बाद वहाँ की अब उसकी लड़की है, गरीब आदमी है, प्रशासन जो हमारा मदद अनके कर। देख लीजिए, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सारा चीज सुन लिया होगा, सारा चीज समझ लिया होगा, और आप लोग देख सकते हैं सर जी, जब क्या ये घटना हुआ। हाँ, इसको हटाइए, परसों जो है घटना हुआ। हाँ। तो तब से न मुखिया आया, न सदस्य, कोई नहीं आया, सरपंच आया नहीं, कोई मतलब आया नहीं। एक गरीब पिता का बात है यहाँ पर, तो काहे कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि बेचारे गरीब है, कमाते हैं दिन भर, तो शाम में चूल्हा जलता है। बाकी आप देख सकते हैं कि मकई का खेत है, और मकई के खेत में जो है इसकी बेटी के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। बाकी आप लोग इनके साथ खड़े रहिए, और इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, गरीब का कोई नहीं होता है, आप लोग को ही इनका साथ दे करके सहारा बन करके आगे बढ़ाना होगा, कार्रवाई करवानी होगी। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।